घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। मांधाता पुलिस ने मात्र 10 दिनों में शादी का झांसा देकर ग्राम मोटक्का की दो नाबालिग लड़कियों को अपहरण कर ले जाने वाले मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को गुजरात में पकड़कर हवालात पहुंचाया। खंडवा पुलिस अधीक्षक के निर्देश मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद साइबर सेल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़कियों को परिजनों को सौंपा गया। मांधाता थाना प्रभारी के अनुसार 21 फरवरी को मोटक्का चौकी में फरियादी भावसिंह भैयालाल भिलाला निवासी में मोटक्का मालबेड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी 13 एवं 14 वर्ष की नाबालिग बेटियों को अज्ञात बदमाश बहला फुसला कर भगा कर ले गए हैं, जिस पर अपराध क्रमांक 52/21 एवं 53/21 धारा 363 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर SDOP राकेश के नेतृत्व में निरीक्षक शिवराम जमरा, उप निरीक्षक अंजू शर्मा, आरक्षक नीतीश पाठक, सरिता जाट, जिला साइबर सेल खंडवा के आर जितेंद्र राठौर की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा आरोपियों की तलाश में ग्राम सकपुर जिला पोरबंदर गुजरात लोकेशन मिलते ही अपहरणकर्ता आरोपी गोलू पिता कैलाश भिलाला उम्र 21 वर्ष निवासी मोटक्का मालबेड़ी, सुरेश पिता मगन भिलाला उम्र 23 वर्ष निवासी मालबेड़ी से नाबालिग दोनों लड़कियों को पृथक पृथक बरामद की जाकर लड़कियों को परिजनों को सौंप दिया गया। प्रकरण में अपहरणकर्ताओं द्वारा पुलिस को बताया गया कि साथी अनिल पिता कमल भिलाला निवासी मालबेड़ी के सहयोग से नाबालिग दोनों लड़कियों को शादी कर झांसा देकर बहला फुसला कर भगा कर ग्राम सकपुर जिला पोरबंदर गुजरात राज्य में ले जाकर अनैतिक कार्य करना बताया गया। मोटक्का चौकी में धारा 366, 368, 374, 376 पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी गोलू, सुरेश एवं अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर रवि वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपियों को ओमकारेश्वर सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है तथा न्यायालय में पेश किया गया था।